कांग्रेस सांसद शशि थरूर को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना महंगा पड़ गया है। केरल कांग्रेस ने शशि थरूर को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस पार्टी सांसद शशि थरूर से नाराज हो गई है। नतीजा ये है कि कांग्रेस की केरल इकाई ने न सिर्फ शशि थरूर को नोटिस भेजा बल्कि सफाई भी मांगी है। शशि थरूर फिलहाल विदेश में है। दरअसल शीर्ष नेतृत्व और पार्टी की सोच से बिल्कुल अलग कांग्रेस के कई नेता हालिया दिनों में पीएम की तारीफ करते नजर आए हैं, जिससे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए और असहजता वाली स्थिति पैदा हो गई है। शशि थरूर के अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पीएम की बुराई करने से परहेज करने की सलाह दी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के बहाने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले आरबीआई के फैसले को लेकर राहुल ने सरकार पर लूट का आरोप लगाया। आरबीआई के फैसले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरबीआई को लूटने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री आर्थिक संकट का समाधान ढूंढने में नाकाम रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई के खजाने में चोरी करने से आर्थिक संकट का हल नहीं निकलेगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल की समझ पर ही सवाल उठा दिए। अगर विपक्ष स्तुति गान में लग जाएगा तो प्रजातंत्र का विनाश होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। यदि चोरी के विषय में कोई कांग्रेस के नेता बोले तो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य की बात साबित होती है। और उनके नेता जो आज अरेस्ट हुए हैं और बड़े घोटाले करने में, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की टिप्पणी करने से खुद उन पर ही कीचड़ गिरने की संभावना है। इससे पहले कल आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बिमल जालान कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर दिया। इस फैसले के बाद आरबीआई केंद्र सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने से कांग्रेस भड़क गई है। कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, याद रखें, वो भी एक दिन पूर्व होंगे। सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एसपीजी सुरक्षा कवर वापस लेने के फैसले पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह को चेतावनी देते हुए धमकी दी है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री होंगे तब उन्हें लेकर जो कदम उठाए जाएंगे उसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार को राजीव गांधी की हत्या की याद दिलाई। राजीव गांधी जी की भी सुरक्षा हटाई थी, उसका क्या अंजाम हुआ वो अच्छी तरह से सबको मालूम है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए, अनेक अनेक राष्ट्रहित में निर्णय लिए गए, जिससे कुछ लोगों को पसंद नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी मानसिकता से काम कर रहे हैं जो कि देश हित में कतई नहीं है। गृह मंत्रालय ने समीक्षा के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि इसके बावजूद उनकी जेड प्लस सुरक्षा जारी रहेगी। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई पर इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कुलदीप और उनके भाई की 150 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। आयकर विभाग ने गुरुग्राम में 150 करोड़ रुपए के होटल को बेनामी संपत्ति के तहत जब्त कर लिया है। जांच में पता चला है कि ये बेनामी संपत्ति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई की है। 2019 में छापेमारी के बाद हुई जांच में आयकर विभाग को कई अहम सबूत हाथ लगे थे, जिससे कंपनी के स्वामित्व पर शक हुआ था और होटल के स्वामित्व को लेकर आयकर विभाग ने अनियमितता पाई थी। उसके बाद बेनामी संपत्ति लेन देन के तहत कार्रवाई की गई।